जानते हैं सबरी को? जानते ही नहीं। सबरी केवल घर छोड़ करके इसीलिए भाग गई थी, उसकी कथा सुन लो। सबरी सबर कुल में जन्म हुआ था, तो जब सबरी का 8 साल में विवाह होने वाला था, विवाह लगा तो विवाह के 3 दिन पहले घर में कम से कम 100-150 बकरी बकरा, 200-300 मुर्गी मुर्गा और मछली उछली सब ला करके रख दिए घर में। तो सबरी ने पूछा, मां ये सब इतना जीव किस लिए लाए गए हैं? बोले, अरे बेटी कल तुम्हारा विवाह परसों है और ये तो भोज भंडारा होगा इससे। बोले, इसका मतलब ये सब मारे जाएंगे? सबरी ने पूछा तो उसकी मां ने कहा, हां सब मसाला मिला करके सब टेस्ट करेंगे जो बराती आएंगे। सबरी ने कहा कि अगर मैं विवाह ना करूं तो, मनी मन सोची, अगर मैं विवाह ना करूं तो इतने जीव बच जाएंगे, इतने जीवों की रक्षा हो जाएगी, हम विवाह ही नहीं करेंगे। विवाह के एक दिन पहले रात को 2 बजे सबरी उठी, सारी बकरा बकरे को छोड़ दी, रात को जो बधे थे पिजड़ा छोड़ दी, उनके गले से रस्सी छोड़ दी, छोड़ करके सबको हाक दी और पैदल ही 2 बजे रात को सबरी भागी। छत्तीसगढ़ से भागी थी, पंपा सरोवर पूरी रात भागी थी कि कोई हमको पकड़ न पाए, और चली गई थी गुरु जी के यहां। किस लिए भागी थी? कि मेरे विवाह करने से अगर 300 लोग बलि चढ़ जाएंगे, ऐसा विवाह हमको नहीं करना है, ऐसा विवाह हमको नहीं करना। और यहां कहते हैं कि विवाह में यदि मछली बकरी बकरा न चला तब मतलब मजा नहीं आया, राक्षसों को खिलाने से कोई लाभ नहीं है। यहां कहते हैं लोग आएंगे ही नहीं खाने, तो इनको खिलाने से फायदा भी क्या है बताओ? ऐसे असुरों को शादी विवाह में बुला के खिलाने का क्या लाभ है हमको बताओ? अरे विवाह करो, किसी 1-2 वैष्णव को बुला करके उनको भोजन करवा के उसके समक्ष बेटे बेटी का विवाह करके उसको विदा कर दो, वो जीवन भर प्रसन्न रहेगी और खुश रहेगी, जीवन भर खुश रहेगी। जो ना आए सात्विक भंडारे में, सात्विक आहार खाने, हमारा पैसा बचा दिए तो 10-20-50 हजार बच गया। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे घर खाने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम छोड़ दिए तो जाएंगे भी नहीं, ना हम खाएंगे ना हम तुमको खिलाएंगे। यही बंगाल है मेरे भाई, अपने बाप दादाओं से पूछना, 3-4 पीढ़ी के पहले चले जाओ, यहां किसी भी शादी विवाह में कभी भी आमिष नहीं बनता था, सब निरामिष बनता था। आप अपने बाप दादा से पूछना 3-4 पीढ़ी पहले, 40 साल के पहले चले जाना, इसी बिहार की बात कर रहा हूं, बंगाल की बात कर रहा हूं, एकदम निरामिष बनता था। अच्छा अच्छा आइटम बना के खिलाओ, इतना पैसा भी खर्च करो, दारू भी पिलाओ, मुर्गा भी खिलाओ, और खाने के बाद वो कहता है मजा नहीं आया, पता नहीं क्या खिलाया, ये गाली दे करके जाएगा। इस प्रथा को बंद करो, और बंद इसलिए भी करना है क्योंकि विवाह, अच्छा ईमानदारी से बताना, विवाह धार्मिक आयोजन है कि नहीं? जितने लोग ये जानते हैं कि विवाह धार्मिक आयोजन है वो लोग हाथ उठा लो। धार्मिक आयोजन है? और ये कथा क्या है, धार्मिक आयोजन है कि नहीं? धार्मिक आयोजन है। तो धार्मिक आयोजन में मीट मछली बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो इसका मतलब ये कि आज के बाद अब आपके दौलत नगर में विवाह शादी में मीट मछली मुर्गा नहीं बनेगा? बोलो। अच्छा कौन कौन, अब विवाह शादी की बात कर रहे हैं केवल, निरामिष विवाह शादी अपने घर में कौन कौन करना प्रारंभ करेगा हाथ उठाओ? कुछ तो डर रहे हैं,
चलो कम से कम इतने लोग भी अगर हुए तो भगवान की बहुत कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। देखना अगर आप लोग शुरुआत इसका करो, दो तीन साल में पूरे दौलत नगर में विवाह शादी में आपको सब जगह क्यों रसगुल्ला मिलेगा और पनीर मिलेगा। देखो सात्विकता का फल क्या है। यहां इतने लोग बैठ के, हम दो बार कह चुके, इतने लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, बैठ के कथा सुनते हैं, कोई बात विवाद नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कथा सुनते हैं, कथा सुन के घर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। वैसे ही जब आप सात्विक घर में आहार बनाओगे, बेटी का विवाह करोगे, कन्यादान करोगे, देवताओं का आह्वान किए हो, उनका अच्छे से स्वागत करोगे, तो वो आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे और जो खा करके जाएगा ना वो प्रसन्न होकर के जाएगा, कहेगा भाई बहुत अच्छा भोजन करवाए, मन प्रसन्न हो गया। आप ही बोलना, जिस दिन खा करके और पी करके सोते हो, सुबेरे उठते हो तो अच्छा लगता है खराब लगता है? खराब लगता है यार, रात को अच्छा नहीं हुआ, खराब लग रहा है। एक बात और बोल, मरा हुआ आदमी को छूने के बाद कौन कौन स्नान करता है? हाथ उठाओ। हाउ जोन हथवा नहीं उठा रहे, गोबर ही गणेश है कहा एकदम। मतलब मुर्दा को छूने के बाद नहाते नहीं हो यार? तो पत्नी कहती है कपड़ा दरवाजे पर उतार दो और नहा करके तब घर में घुसना, नहीं घर में घुसने नहीं देंगे। और जो रतिया की इतना गोश पिटवा में रख करके आता है, सोता है घरवा में, तब क्या घुसने देती है बताओ? मुर्दा को छूने से नहा रहे हो और एक मुर्दा को पेट में रख करके सो रहे हो, घर में घुसे हो, तब नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुर्दा तो मुर्दा, जिसमें से प्राण निकल गया वो मुर्दा हो गया। कैसा कैसा नियम है बताओ, कैसा कैसा नियम है। इसलिए तुमसे अच्छा तो शेर है, वो मुर्दा नहीं खाता, जिंदा चबा के खाता है, मर गया छोड़ देता है। लेकिन आप तो मार करके मुर्दा खा रहे हो यार, ओहो हमारा माथा दर्द करने लगा आज। बताओ, और इतना सुनने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं आस्ते आस्ते छेड़े देवो। इतना सुनने के बाद बताओ, इतना सुनने के बाद देखने का मन करेगा उसको, घिना नहीं लगेगा? अच्छा कच्चा मांस कौन कौन खा सकता है, किसकी सामर्थ्य कच्चा मांस खाने का? किसी का नहीं बताओ। उसको फ्राई करके, उसके कलर को बदल करके, उसमें मसाला डाल करके तब खा रहे हैं बेटा। मांस खाने से कभी किसी का मांस नहीं बढ़ा, जितने हमारे देश में पहलवान हैं उनसे जाकर के पूछना। अगर आपको केवल मांस खिलाया जाए, रोटी न खिलाया जाए ना, तुम्हारी नस ढीली हो जाएगी। खेत में हल कौन जोतता है, शेर जोतता है कि बैल? हाँ? बैल। बैल का खाता है घास खाता है, और शेर का खाता है मांस। शेर को जोत करके देखना, मर जाएगा उसी दिन, मर जाएगा वही खेतवई में मर जाएगा वो। तो सबसे ज्यादा पावर कायम रोटी में है। सात्विक आहार खाओ, मन प्रसन्न रहेगा, आप बलवान बने रहोगे। मांस खा खा करके भूत बने हैं, डॉक्टर बोल दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़े गए से मरे जावे, छेड़े दाओ। आ डॉक्टर साहब छेड़ दिला। हाँ, डॉक्टर मना कर दिया तो छोड़ देंगे। अरे जब खाए हो 40 साल तक, देखो हमारे जीवन में ना एक लिमिट होती है सब कुछ का, इसलिए जीवन में बहुत हिसाब किताब से खाना चाहिए। कोई चीज अच्छी चीज खाओ, जीवन भर टेस्ट लेते रहोगे, जीवन भर। और जब इतना खाए हो तो देखो, मैं बात बताऊं, जिस दिन डॉक्टर मना कर देगा कि खाओगे तो मर जाओगे, बीवी बच्चे सब खाएंगे तुम्हारे सामने और तुम देख देख करके पछताओगे। हो रोग ना हो तो हम ही खाता मत।
की हो गेलो आमा के यहां, कितना शर्म लगेगा, कितना मन में पश्चाताप होगा, कितना लालच आएगा खाने के लिए। लेकिन जिस दिन मन में घिन आ जाएगा, बैठ के खाएंगे तो आप घट हटक हटा ऐसे, उस दिन आप कहोगे हटाओ मेरे सामने से, उस दिन लालच नहीं आएगा, उस दिन आप उसको देखना पसंद नहीं करोगे। इसलिए मन से त्यागो ताकि कभी लालच जीवन में न आए, जीवन एकदम सात्विक बन जाएगा, सात्विक बन जाएगा। इसलिए मेरे भाई ये सब खाने से कुछ नहीं होता, और आप सब लोग खाते हैं, तुम लोगों से हम कमजोर हैं क्या? एक ही टाइम खाते हैं हम, दुबले पतले हैं, कोई रोग नहीं है। और आप लोग कह रहे हैं कि हम खाते हैं स्वस्थ हैं, आओ चेहरे को भी मिला लो, आओ मिलाओ, अगर हमसे ज्यादा प्रसन्न निकल जाओगे तो कहना फिर हमसे। जितना शुद्ध और सात्विक खाओगे उतना ललाट चमकता रहेगा, उतना तेज आपके अंदर रहेगा, उतना बुद्धि आपका ब्राइट रहेगा, एकदम मस्त रहोगे। और नहीं खा करके भूत बने रहोगे, भूत बने रहोगे। इसलिए खुद भी छोड़ो, अपने बच्चों को भी मना करो, एकदम घर में एकदम बंद कर दो, एकदम बैन कर दो, नहीं आएगा, नहीं बनेगा, खाना है तो खाओ नहीं मर जाओ। इसलिए ये सब चीजें ठीक नहीं है। हम सीधा कहते हैं वही खाओ जो भगवान को भोग लगा पाओ, जो हमारे ठाकुर जी खाएंगे वो हम भी खाएंगे और पूरी दुनिया को खिलाएंगे, जो हम नहीं खाएंगे वो हम आपको खिलाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी नहीं खाते। बस इसलिए ध्यान देना। तो अब दावत नीरा मिस होना चाहिए, हाँ एकदम बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ ना, देखना खाने वालों की कमी होगी तो हमको फोन करके बताना, हम वृंदावन से भेजेंगे खाने वालों को। और क्या, हम लोगों को तो लड़ा करने, लोग कम होंगे तो बताना हम वृंदावन से भेजेंगे, लोगों की कमी नहीं होगी। लेकिन असुरों को खिलाना मत, कार्ड में लिख देना कि मच्छरी भात वाले दूर रहे नहीं, बोंग यहां रखा हुआ है डंडा, उनका प्रवेश यहां वर्जित है, मत खिलाओ उनको, उनको खिलाने से कोई लाभ नहीं, ऐसे लोगों को मत खिलाओ।